जैसे ही लक्ष्मी देवी द्वार पर पहुंची तो जगन्नाथ जी के सेवकों ने जोर से द्वार बंद कर दिया। ये देखकर लक्ष्मी देवी को अत्यंत क्रोध आया। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया। फिर क्या वही हुआ जो हमेशा होता आया है। चलिए देखते हैं। बीमारी से स्वस्थ होने के बाद जगन्नाथ जी अपने बड़े भैया बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ नगर भ्रमण करने जाने का निर्णय करते हैं। उसके लिए वे लक्ष्मी देवी से आज्ञा भी मांगते हैं और दो दिन में वापस आने का वचन देकर अपनी मौसी माँ गुंडीचा के घर पहुंच जाते हैं। दो दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक जगन्नाथ जी के वापस आने की कोई खबर नहीं है। लक्ष्मी देवी बार बार द्वार पर जाकर प्रतीक्षा कर रही है लेकिन ना तो जगन्नाथ जी दिख रहे हैं और ना ही उनके कोई सेवक। 3 दिन बीत गए और अब 4 दिन पूरे हो गए हैं। लक्ष्मी जी के धैर्य का बांध अब टूट रहा है। ना तो जगन्नाथ जी आ रहे हैं और ना ही उनके आने की कोई सूचना सुनाई दे रही है। बार बार लक्ष्मी देवी अपने सेवकों को बुलाकर पूछती है, क्या स्वामी श्री मंदिर में आ गए या फिर क्या उनका कोई सेवक उनके आगमन का समाचार लेकर आया है क्या, देखना जरा। लेकिन हर बार लक्ष्मी देवी को निराश ही होना पड़ रहा है। उदास मुख से वे अपने झरोखे से झांकती हुई प्रतीक्षा कर रही है। आज 5वां दिन हो गया लेकिन जगन्नाथ जी नहीं आए। अब लक्ष्मी जी की उदासी का स्थान उनके क्रोध ने ले लिया। उन्होंने सोचा, बस अब बहुत हो गया, 2 दिन का वचन देकर गए थे और आज 5वां दिन है। कितना गैर जिम्मेदार व्यवहार है ये, क्या उनके वचन की इतनी ही कीमत है और मैं, क्या मेरा कोई महत्व नहीं है उनके जीवन में। कोई बात नहीं, मैं आज उन्हें बताती हूँ कि वचन देकर उसे पूरा ना करने का क्या परिणाम होता है। इतना सोचकर लक्ष्मी देवी ने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश देते हुए कहा, सेवकों इसी समय मेरी पालकी तैयार करवाइए, सभी सेवकों को साथ लीजिए और हम इसी क्षण गुंडीचा मंदिर जाने के लिए प्रस्थान करेंगे। लक्ष्मी देवी का आदेश पाते ही उनके सेवकों ने सारी तैयारियां शुरू कर दी। लक्ष्मी जी के लिए एक विशेष पालखी तैयार करवाई गई, उन्हें सजाया गया और अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और ठाट के साथ लक्ष्मी देवी पालखी में बैठकर गुंडीचा मंदिर जाने के लिए निकल गई। मार्ग में उनके आगमन से पूर्व उनके सेवक ढोल मृदंग शंख इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते हुए जा रहे थे। जैसे ही लक्ष्मी देवी गुंडीचा मंदिर पहुंची तो उनके आगमन का समाचार जगन्नाथ जी को मिल गया। जगन्नाथ जी के एक सेवक ने उनके पास जाकर कहा, स्वामी माता लक्ष्मी आई है और कुछ क्रोध में भी दिखाई दे रही है। ये सुनकर जगन्नाथ जी को अचानक याद आया अपना वचन जो उन्होंने लक्ष्मी देवी को दिया था। आखिर जगन्नाथ जी को बड़ा दुख हुआ लेकिन अब क्या करें, भूल तो हो गई, अब अपनी पत्नी को मनाने के सिवा और कोई उपाय भी नहीं था। लेकिन उनके सामने जाए तो जाए कैसे, और वो भी ऐसे समय में जब लक्ष्मी देवी इतने क्रोध में थी। कहीं श्राप दे दिया तो फिर से नहीं, जगन्नाथ जी ने सोचा इस समय उनके समक्ष जाना ठीक नहीं, जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा फिर देखेंगे। अब इधर लक्ष्मी देवी की पालकी जैसे ही गुंडीचा मंदिर के आंगन में पहुंची तो जगन्नाथ जी के सभी सेवक गण वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने देखा, अरे लक्ष्मी देवी अत्यंत क्रोध में है और बस मंदिर में प्रवेश करने ही वाली है। और तभी जगन्नाथ जी के सेवकों ने मंदिर का द्वार जोर से बंद कर दिया। ये देखकर लक्ष्मी देवी को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, स्वामी आप यहाँ मेरे बिना ही अपने बड़े भैया और बहन सुभद्रा के साथ बड़े सुखपूर्वक रह रहे हैं। आपने मुझे वचन दिया था कि आप 2 दिन में वापस आ जाएंगे लेकिन आज 5 दिन हो गए हैं और आपको इस बात का थोड़ा भी विचार नहीं आ रहा है कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, अब आप यहीं पर रहिए। ये सोचकर लक्ष्मी देवी ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए अपने सेवकों को एक भयंकर आदेश दिया। उन्होंने कहा, ये रहा मेरे स्वामी का रथ नंदीघोष, जाओ उसे तोड़ दो। और लक्ष्मी जी के सेवकों ने भी अपनी स्वामिनी का आदेश पालन करते हुए जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया। और वहां जगन्नाथ जी के सेवकों और लक्ष्मी देवी के सेवकों के बीच में थोड़ी मार पिटाई भी हो गई। उसके बाद लक्ष्मी देवी चुपचाप वहां से वापस श्री मंदिर आ गई। लेकिन इस बार वे मुख्य मार्ग से नहीं आई अपितु हेरा गोहरी गली से आई। उड़िया भाषा में हेरा का अर्थ होता है देखना। जब लक्ष्मी देवी अपने पति जगन्नाथ जी को देखने के लिए 5वें दिन आती हैं, तो उसे हेरा पंचमी का उत्सव कहा जाता है। अब 7वें दिन गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी बलदेव जी और सुभद्रा जी का संध्या दर्शन किया गया।
सभी भक्तों ने उसमें उत्साह पूर्वक भाग लिया और जगन्नाथ जी के दर्शन किए। आठवें दिन तीनों भाई बहन के रथों को वापस श्री मंदिर जाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दिया गया और नौवें दिन ये रथ वापस श्री मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी ने माता गुंडीचा से वापस जाने की आज्ञा ली, उन्हें प्रणाम किया और वापस अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। इस वापस जाने की यात्रा को बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसमें इतनी धूमधाम नहीं होती। अब देखिए, बलदेव जी और सुभद्रा जी का रथ तो सीधा सिंह द्वार तक आ जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी सिंह द्वार जाने से पहले गजपति राजा के महल के द्वार पर कुछ देर खड़े रहते हैं और उसी समय लक्ष्मी जी के सेवक ये सूचना जाकर लक्ष्मी देवी को देते हैं। ये सुनकर लक्ष्मी देवी मन ही मन प्रसन्न होती है। आखिर उनके स्वामी जो आ रहे हैं, वे श्री मंदिर से बाहर आकर चांदी मंडप में आती है और फिर रसोई घर से होकर भेंट मंडप में प्रवेश करती है और इस प्रकार 10 दिन बाद उन्हें अपने स्वामी के दर्शन होते हैं। इसे लक्ष्मी नारायण भेंट या फिर चांदी मिलन भी कहते हैं। उस समय लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी का विशेष हार प्रदान किया जाता है। वे जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष की प्रदक्षिणा करती हैं और फिर श्री मंदिर में उनके आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए वापस श्री मंदिर चली जाती है। कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का रथ भी सिंह द्वार पर आ गया। अब फिर से तीनों भाई बहन श्री मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन यहाँ रथ यात्रा समाप्त नहीं होती। आपको क्या लगता है, लक्ष्मी देवी इतनी सरलता से अपने पति को क्षमा कर देंगी? जी नहीं, बलदेव जी और सुभद्रा मैया को तो सीधा श्री मंदिर में प्रवेश मिल जाता है, लेकिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी बाहर ही फंस जाते हैं। लक्ष्मी जी के आदेश से उन्हें प्रवेश करने के लिए मना कर दिया जाता है। जगन्नाथ जी हाथ जोड़कर लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करते हैं, उनके सेवक भी क्षमा याचना करते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी नहीं मानती। आखिर थक हार कर जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े रसगुल्ले और फूलों की माला लेकर उनके पास आते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं और तब जाकर लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती है। आखिर पति पत्नी की इस मीठी नोकझोंक समाप्त हो जाती है और जगन्नाथ जी के लिए श्री मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं। तो यह है संपूर्ण रथ यात्रा उत्सव की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी है तो इसे अभी के अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को शेयर कर दीजिए